मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मनी मंत्रा की। और चर्चा करने के लिए आए हैं कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाल लिया है LIC IPO के लिए एक्शन मोड में आने का। दोस्तों LIC IPO से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आई है और खबर ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिवेश की दिशा में अब तक हुई प्रगति की शुक्रवार को समीक्षा की है। मित्रों वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि निर्मला सीतारमण ने LIC के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है। इस बैठक में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको दीपम कहा जाता है, की सचिव तुहिन कांत पांडे जी और वित्त मंत्रालय के कई और वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे। मित्रों मार्च तक लॉन्च करने की योजना लगभग फाइनल पोजीशन में है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च 2021 तक LIC का IPO लाने की योजना है। यह देश का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए तक के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए LIC का IPO काफी अहम भूमिका निभा सकता है। अभी तक सरकार कई सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी की बिक्री से 9,330 करोड़ भी मात्र जुटा सकी है। मित्रों बता दें कि LIC के विनिवेश प्रवर्धन के लिए सरकार ने सितंबर 2021 में 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की थी, जिसमें गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप और नोमिरा भी शामिल है। दोस्तों वहीं सिरिल अमरचंद मंगलदास को IPO के लिए विधि सलाहकार नियुक्त भी किया गया है। दोस्तों विदेशी निवेशकों के लिए भी एक खास प्लान तैयार है। सरकार इस IPO में बिक्री के लिए रखी जाने वाली हिस्सेदारी का अनुपात तय करने में लगी हुई है। इसके अलावा LIC में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी देने के बारे में भी गौर कर रही है। सेबी नियमों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी IPO में शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन LIC अधिनियम में विदेशी निवेश का कोई प्रावधान न होने से इसके लिए जरूरी संशोधन करने पड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गत जुलाई में LIC के विनिवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें निवेश प्रक्रिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों एक जबरदस्त खबर आ चुकी है LIC IPO से संबंधित। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलाया है तो आपसे निवेदन है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलाने का लिंक भी सबमिट किया जा रहा है, जिसके द्वारा आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा करके आप वहां से अपने इक्विटी मार्केट के सफर को जारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ आपका मित्र आपसे आज्ञा लेता है, साथ में प्रार्थना भी करता है कि अगर अभी तक अपने आपने डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलाया है तो आप जरूर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलाएं और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।